ओलंपिक्स दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट पिछले कुछ महीने से कंटिन्यूसली हमारे देश में न्यूज में है, जब से हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद ही कहा गया है कि वो 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने के लिए हर तरह की मशक्कत करेंगे। पर क्या आपने सोचा है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ओलंपिक को होस्ट करना चाहती है, इसके पीछे क्या रीजन है और इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद वो सिटी है जिसको ओलंपिक के लिए हमारे देश में तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन भी अप्रूव कर दिया गया है और इसका जो पूरा प्लान है वो भी लोगों के सामने रखा गया है कि कैसे अहमदाबाद को ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो भारत को ओलंपिक के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत होस्ट करे, तो इसका कई सारे लोगों के द्वारा मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिला है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इसके फेवर में नहीं है। तो इस ग्रुप का मानना है कि ओलंपिक होस्ट करना एक पूरा का पूरा लॉस मेकिंग सौदा है, क्योंकि हर कंट्री जिसने भी अभी तक ओलंपिक को होस्ट किया है उनको एक सिंगल रुपए का प्रॉफिट भी नहीं मिला है। और इनकी बात बिल्कुल सही है, ओवर द ईयर्स ओलंपिक होस्ट करने को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि हर वो कंट्री जिसने ओलंपिक होस्ट किया है उनको सिर्फ लॉस ही मिला है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, यूके हो, ब्राज़ील, कनाडा, ग्रीस, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री जिसने ओलंपिक होस्ट किया है उनको लॉस ही हुआ है। इन सभी कंट्रीज को सालों तक कर्ज भी चुकाना पड़ा है। इनफैक्ट ग्रीस जैसी कंट्री जिसने 2004 ओलंपिक को होस्ट किया था उनकी इकोनॉमी तो पूरी तरह से चौपटी हो गई थी। हालांकि उनकी इकोनॉमी में पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि ओलंपिक ने उनकी इकोनॉमी को आखिरी धक्का दे दिया था और पूरी बैड कंडीशन में पहुँचा दिया था। साउथ कोरिया, ब्राज़ील, इस तरह की जो कंट्रीज हैं इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कमी देखी गई है ओलंपिक होस्ट करने के बाद, क्योंकि इन कंट्रीज के द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओलंपिक को होस्ट करने के लिए खर्च किए गए हैं पर रिवेन्यू उतनी जनरेट नहीं हुई थी जितनी इनको होनी चाहिए थी। तो उस कारण जितना भी पैसा इन्होंने खर्च किया था वो सारा का सारा डेट में कन्वर्ट हो गया। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, तो एक कंट्री जो एक बार ओलंपिक को होस्ट कर लेती है तो उसको दोबारा से ओलंपिक होस्ट करने के लिए और दोबारा उसकी बारी आने के लिए 1 से 2 दशक तक का वेट करना पड़ता है। और इतने समय में जो वेन्यूज बनाए होते हैं ओलंपिक होस्ट करने के लिए ये ऐसे खाली पड़े रहते हैं जिनको हर साल मेंटेन करना पड़ता है और मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर भी खर्च होते हैं। तो इसके लिए अगेन जो फाइनेंशियल बर्डन है वो और बढ़ जाता है कंट्रीज के ऊपर। इस ग्रुप का एक तर्क ये भी है कि क्योंकि भारत में अभी वो स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं, स्पोर्ट्स के नाम पर हमारे पास सिर्फ क्योंकि क्रिकेट ही है, तो ये इवेंट हमारे लिए उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉरेन एथलीट्स को ही इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये भी बात इनकी सही है, क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स मेडल टैली में भारत की पोजीशन देखें तो हम इथियोपिया और केन्या जैसी कंट्री से भी नीचे आते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें उस ग्रुप की जो कि ओलंपिक होस्ट करने के फेवर में है, तो उनका कहना है कि कोस्ट एक ऐसा एरिया है जो भारत काफ़ी इजीली अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2036 की, उस समय 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करना भारत के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि उस समय इंडिया ऑलरेडी एक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका होगा, तो ये अमाउंट काफ़ी इजीली अफोर्ड की जा सकती है। और ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है भारत और उन कंट्रीज के बीच जिनको ओलंपिक होस्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कर चुकाना पड़ा है। इसके साथ साथ क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़ी स्केल पर भारत में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ओलंपिक के जो मैचेस हैं या फिर जो इवेंट्स होंगे उनकी स्ट्रीमिंग करके भारत बड़े स्केल पर रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, जो कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी कंट्रीज ने अभी होस्ट किया है उनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारी 140 करोड़ के ऊपर है। तो इसके चलते भी आप कह सकते हैं कि जो रिवेन्यू आएगी तो कॉस्ट बर्डन और कम हो जाएगा। इसके अलावा रही बात स्पोर्ट्स कल्चर की, तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ पर भारत को काम करना ही होगा, और ऐसा नहीं है कि इस काम को किया नहीं जा सकता है। चाइना ने सेम ऐसा काम किया है 2001 में, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अनाउंस किया गया कि 2008 का ओलंपिक्स चाइना के बीजिंग में होस्ट किया जाएगा, तो उससे पहले ही चाइना ने उनके कंट्री के यूथ को ओलंपिक के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 8 से 10 साल तक चाइना ने उनके यूथ को कंटिन्यूसली प्रिपेयर किया है ओलंपिक के लिए, और शायद यही मेन रीजन था कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे वहां पर चाइना को ऑलमोस्ट 100 मेडल्स मिले थे, जो कि एक सिंगल एडिशन में आज तक सबसे ज्यादा मेडल है चाइना के लिए। और इस टाइप का कल्चर हमें भी देश में डेवलप करना ही होगा। हरियाणा, उड़ीसा, इस तरह की जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं, जहां पर यूथ को नेसेसरी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं वो दी जा रही हैं, जिसके दम पर वो भारत को अभी ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी जो पिछले कुछ सालों में आपको मेडल देखने को मिले हैं वो सब शो करते हैं कि कैसे भारत का जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो डेवलप हो रहा है। हमारी जो दूसरी स्टेट्स हैं जो भी इस काम में पीछे हैं उनको भी ये काम करना ही होगा, क्योंकि अगर इस कल्चर को डेवलप नहीं किया जाता है तो देश में ओलंपिक को होस्ट करना बिल्कुल भी फ्रूटफुल होगा ही नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हम धीरे धीरे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे जो एथलीट्स हैं वो अच्छे खासे स्केल पर देश में मेडल्स भी ला रहे हैं और कंटिन्यूसली भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके देश में अच्छे खासे रिजल्ट गेन किए जा सकते हैं। और अगर इन प्रॉफिट और लॉस की बातों को साइड में भी रख दें तो ओलंपिक को होस्ट करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो ओलंपिक होस्ट करती है
उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओलंपिक को देखने के लिए दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उस कंट्री को एक्सप्लोर करें जहां पर वो ओलंपिक्स के मैच या इवेंट्स देखने जा रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उस देश के टूरिज्म के ऊपर पड़ता है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि ओलंपिक होस्ट करने के चलते उस कंट्री की जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज होती है, जो उस होस्टिंग कंट्री को जियोपॉलिटिक्स में बेनिफिट दे सकती है। और भारत जैसी कंट्री जो आगे चलकर एक इकोनॉमी पावर बनना चाहता है, वहां पर तो ये काम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 2008 में चाइना ने जो बीजिंग ओलंपिक होस्ट किया था वो इसी कारण किया था, ताकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आने वाले सुपर पावर हम हैं। वैसे तो आपका क्या सोचना है कि क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।